गाइस जब एक महीने के लिए मैं घर पे था तो इस सबको बहुत मिस करता था अपने दोस्त। तो आंखें काम कहाँ कर रही हैं, चश्मा लगवाना पड़ेगा। घूरने के लिए तो बहुत जोर की हैं। मैडम पीछे हंस रही हैं हमारी, देखो। बहुत टेंशन है मेरे को। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस शनिवार का दिन है, सुबह के अभी 7:45 बजे हैं। इससे भी जल्दी निकलना चाह रहा था क्योंकि भाई एक महीने से घर में पड़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा दबाव है। ऊपर से EMI आ रही है, 10 तारीख को फिर से EMI भरनी है। पूरा पूरा एक महीने गाड़ी खड़ी रही थी, काम नहीं कर पाया था। गाड़ी तो मैं कल ही ले आया था, कल थोड़ा सा चला के भी आया था, लेकिन असली परीक्षा आज से शुरू होगी। आज सुबह ही निकल रहा हूँ, 7:45 बजे हैं। नहा धो के रेडी होके एकदम तिलक विलक लगा के चल रहा हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करके, प्रार्थना करके, प्रभु मेरा दिन अच्छा जाए। आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि आपका भी दिन अच्छा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना दिन, तो लास्ट तक बनी रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस जब एक महीने के लिए मैं घर पर था तो इस सबको बहुत मिस करता था अपने दोस्तों को। ये राकेश, पीछे चौहा, सचिन, पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है। ये प्रेमचंद भाई साहब, इधर हमारे बाबा, आज कमेटी में आके बहुत अच्छा लग रहा भाई। पूरी की पूरी मित्र मंडली, सबके सब काम करने में लगे हो। फिलहाल तो खड़े, गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी आ जाएगी तो सब निकलेंगे। लेकिन बहुत मिस किया मैंने यार पिछले एक महीने में। गाइस एक महीने बाद ही सही वृंदावन आने का मौका मिल गया। आज सुबह से लगा हुआ हूँ काम पे, ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाया, लेकिन भाई काम मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत है काम की, और आप सबको पता है कि कितनी हालत ख़राब रही है मेरी। अभी वृंदावन की सवारियाँ लेके आया हुआ था, उन्हें छोड़ दिया मैंने रघुनाथ जी मंदिर पे। अब वापसी में हूँ अल्लाह चुंगी, जो कांच का मंदिर है पीछे, ये देखो ये वाला कांच का मंदिर है, ये देखा ये, तो कांच के मंदिर पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से सवारी देखूँगा मथुरा के लिए, आगे अटल्ला चुंगी है। अगर यहाँ से नहीं मिलती है तो अटल्ला चुंगी जाके देखूँगा। पर लगातार काम करते रहना भाई, बहुत दबाव है। वृंदावन का चक्कर लगा के आ गया हूँ मथुरा जंक्शन पे, और अभी 12:15 हो रही है, यानी कि 12:15 हो गए। धूप पड़ने लगी है, काम इस समय थोड़ा सा ठंडा हो जाता है लगभग 2:30 बजे तक। उसके बाद दोबारा से गाड़ियाँ हैं, तब तक खाना पीना खाया थे, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी मिलता है आराम करके आते हैं। और गैस वैसे भी दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए एकदम सन्नाटे पसरे हुए हैं, सारे गाड़ी वाले एक दूसरे से बातें करने में लगे हैं। हमारा सलीम तो सो भी रहा है। चलिए घर चलते हैं यार। गाइस दोपहर के आराम के बाद फिर से काम पे जा रहा हूँ, और कल से जब से गाड़ी आई है ना, जवाब नहीं यार खुशी का। काम पे जाना फिर वापस आना, थकार के लेट जाना, कितना अच्छा लग रहा है यार। मैं ही जानता इस बात को भाई, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है यार। पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान था, पैसे के लिए भी, घर में पड़े पड़े भी। कई ये दिक्कतें आती हैं जब आदमी काम से बैठ जाता है, लेकिन जब काम मिलने लगता है ना सब कुछ ठीक होने लगता है। बंसी वाला, बस अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे और आप लोगों की कृपा ऐसी बनी रहे, तो दोनों मैं भी चलता रहूं, मेरा चैनल भी चले, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। गाइस आज शाम को जब घर से निकला था तो उसके बाद में बिल्कुल भी ब्लॉग ही नहीं कर पाया यार। ला तो बहुत ज़्यादा कमाई की है कि ऐसा हुआ को बहुत ज़्यादा कमा लिया हूँ, बस ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी ब्लॉग करने का। गाड़ी अभी अभी साफ की, एकदम चमक रही है अब मेरी गाड़ी यार, वरना इतनी भयंकर हो रखी थी। एक महीने के लिए खड़ी रही थी महिंद्रा के वर्कशॉप में, भाई उन्होंने नहीं कभी कपड़ा भी मारा, पूरी की पूरी गाड़ी पर धूल हो रखी थी। मैंने पानी से धोया, साफ़ की, और आज दोबारा से फिर शैम्पू लगा के साफ़ किया, तब देखो सबसे ज़्यादा चमक रही होगी मेरी वाली गाड़ी। एक तो नई है यार, नई गाड़ी को थोड़ा सा कपड़ा मार दो आप हल्के हाथ से भी तो चमक जाती है। और गाइस परसों वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया था इसके रिव्यू का, उसके बावजूद भी बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं गाड़ी का एवरेज, गाड़ी की कितने साल की फाइनेंस है, ये सब कुछ। तो थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ भाई, 3 साल का फाइनेंस है, 10,630 की किस्त है इसकी, लगभग 1.5 लाख रुपये इसका जो फाइनेंस पे ब्याज जा रहा है, बहुत भारी है मुझे मालूम है, लेकिन जो हो गया है वो तो हो गया, इसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता। हाँ तो गाइस घर पे आ चुके हैं, ये हमारी मैडम गीता जी, हेलो गाइस, और किचन में कौन है, हमारी बिटिया अंजलि, हेलो, क्या हो रहा है, क्या हो गया, मैंने सही जगह रखा, मुझे गलत बताना, हाँ तो आंखें काम कहाँ कर रही हैं, चश्मा लगवाना पड़ेगा। घूरने के लिए तो बहुत जोर की है, थक गया हूँ यार आज। क्या कर रही है मैडम, बैंगन का भरता। लो गाइस आपको पता चल गया हो, हमारे घर में आज बैंगन का भरता बन रहा है, चाय बना दे यार, चाय लग गीता,
चाय बना दे, चाय की इच्छा हो रही है बहुत, आज तो दिन में भी नहीं मिली। तो गाइस आज पहली बार पूरा दिन गाड़ी चलाई है, सुबह में 7:45 बजे के करीब मैं निकला था, उसके बाद दोपहर में घर आया, लगभग 2.5-3 घंटे का आराम किया, फिर दोबारा से गया था, अभी 9 बजे हुए हैं, अभी अभी आया हूँ और थक गया हूँ बुरी तरह से। सच कहूँ तो यार बहुत थक गया हूँ आज, 1 महीने बाद तो पूरे दिन के लिए गाड़ी चलाई है तो थकावट तो हो ही जाती है, क्योंकि शरीर की जो हैबिट थी ना गाड़ी पर बैठने की और लगातार चलते रहने की वो छूट गई है। अब मैडम हमारी चाय बनाती हैं, उसके बाद फ्रेश फ्रेश होंगे, खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे। और एक और खबर, आज एशिया कप शुरू हो गया है, तो शायद अफगानिस्तान का मैच है श्रीलंका से, चलिए देखते हैं क्या हाल है, कैसा चल रहा है। कमर दर्द कर रही है मेरी, 1 महीने में बिल्कुल आदत छूट गई है गाड़ी पर बैठने की, दिन भर एक जगह पर बैठे रहने की, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी 2-4 दिन मेरे को, उसके बाद धीरे धीरे शरीर अपने आप रोटेशन में आ जाएगा, तब तक भाई झेलना पड़ेगा ये सब। अभी चाय पीने के बाद फ्रेश होके अभी अभी आके बैठा हूँ, और पता नहीं यार आज क्या चक्कर है, आज का अगर आपने वीडियो देखो तो पीछे की तरफ थोड़ा सा धुंधला सा हो जाता है, पता नहीं क्या पसीने की वजह से। और गाइस यार 2-3 दिनों से पता नहीं क्या हुआ है, अच्छा खासा चिल्ड मौसम हो रखा था ठंडा, लेकिन 2-3 दिनों से गर्मी दोबारा से ऐसा लग रहा है वापस आ रही है, अभी 10-15 दिन और ऐसा ही रहेगा, उसके बाद मौसम ठंडा होना शुरू होगा, तो अभी ये झेलनी पड़ेगी 10-15 दिन गर्मी। और गाइस आज सारा दिन मैंने गाड़ी चलाई है, ठीक ठाक काम हो गया है, पहले जैसा तो नहीं हुआ जो पहले मैं कमा के लाता था, लेकिन फिर भी इतना कर लाया हूँ कि खुद को संतुष्टि दे सकता हूँ, कहाँ मैंने आज मेहनत की है तो मेहनत के जैसे थोड़ा बहुत काम करके ले आया हूँ। और गाइस जो वीडियो मैंने रिव्यू वाला बनाया था उसके बावजूद भी भाई कई सवाल आ रहे हैं कई तरह के लोगों के, मैं दोपहर में भी इसके बारे में जिक्र कर रहा था, एक भाई मेरे से जानना चाह रहे हैं कि ठीक होने के बाद गाड़ी आपकी कैसी चल रही है, बैटरी की जो रेंज है वो उतनी चल रही है कि कम है, तो थोड़ा सा फ़र्क आ गया मैंने महसूस किया है आज, हालांकि पहला दिन था तो ठीक से मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, 2-4 दिन चल जाएगी उसके बाद ही पक्का तौर पर बता पाऊँगा कि हाँ इतनी गाड़ी चल रही है, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगा कि लगभग 80 किलोमीटर के करीब चल रही है, पहले 100 चलती थी तो 20 किलोमीटर का फ़र्क आया, हो सकता है कि गाड़ी खड़ी रही है 1 महीने के लिए, उसकी बैटरी की जो ग्रेविटी बैठ जाती है उसकी वजह से हो रही हो, 2-4 दिन लगातार चार्ज होगी चलेगी तो शायद फिर से बैकअप वही हो जाए पहले वाला। और गाइस एक भाई मेरे से जानना चाह रहे हैं कि मैं सारे दिन में कितना कमा लेता हूँ गाड़ी से, जाहिर सी बात है अभी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आ रही है, तो गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि गाड़ी से कितना कमा लेता हूँ, तो गाइस अपना काम ऐसा ही है, सबको पता है ऑटो ड्राइवर वगैरह की लाइफ में एक फिक्स सैलरी नहीं होती है, सारा काम सवारी के ऊपर काम के ऊपर होता है कि कैसा दिन रह रहा है, कभी कभी 1000 भी हो जाते हैं, कभी 800 भी रह जाते हैं, कभी 200-250 भी रह जाते हैं, 500 भी हो जाते हैं, तो जैसा काम है वैसी इनकम होती है भाई। और गाइस एक भाई हैं जो खुद बता रहे हैं कि मैं भी, मेरे पास भी महिंद्रा का ट्रियो है, तो भाई साहब कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्या शुरू शुरू में या आपके सामने भी ऐसी कोई दिक्कत आई है, मैं तो बहुत परेशान हुआ जब से मैंने गाड़ी ली है, और जितने भी ब्लॉग आपने देखे हों अगर पीछे के तो आपको पता ही होगा कितनी दिक्कत हुई है मेरे को जिस दिन से गाड़ी ली है मैंने। अभी ऊपर वाले से रोज़ाना मैं जब सुबह उठता हूँ यही दुआ कर रहा हूँ, आज भी सुबह मंदिर में पूजा करके गया था कि प्रभु अब कोई संकट ना आए, कम से कम 2.5-3 साल ठीक से काम धंधा चलता रहे, ताकि जो फाइनेंस की EMIs हैं वो पूरी हो जाएं, उसके बाद मैं देखूंगा, फिलहाल अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा हूँ मैं। और गाइस अभी मैं एशिया कप का जो मैच चल रहा है अफगानिस्तान का और श्रीलंका का, उम्मीद लगा के आया था एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन श्रीलंका यार 106 पे ही ऑल आउट हो गई है, तो देखते हैं दूसरी पारी शुरू होने वाली है, अफगानिस्तान बैटिंग करेगी अब कैसा रहता है। और गाइस थोड़ी देर में जो हमारी गीता जी हैं वो ला रही हैं हमारे लिए खाना, अभी बर्तन साफ करने में लगी हुई है, तो खाना खाते हैं उसके बाद मैं ब्लॉग का एंड करेंगे, तब तक मैच देख लेते हैं अपन। हाँ तो गाइस खाना पीना हो चुका है, सबसे फ्री हूँ, आज थका हुआ हूँ, थोड़ा सा जल्दी सोने के चक्कर में हूँ, TV भी मैंने बंद कर दिया, मैच भी पूरा नहीं देखा, कल वाला मैच पूरा देखेंगे, कल अपने इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ में, आई होप कि इंडिया ही जीतेगी, पूरी उम्मीद है पूरा यकीन है इंडिया ही जीतेगी यार, और कौन जीतेगा। हाँ यार लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत गड़बड़ हो गई थी पिछली बार, आई होप कैसा कुछ नहीं होगा, आज ठीक ठाक काम हो गया, सब कुछ बता दिया है मैंने। और गाइस जिन लोगों के सवाल आ रहे हैं ना अब टेंशन मत लो, सबके जवाब दूंगा, मैंने बोला था उस वीडियो में भी कि एक अच्छा सा दोबारा से मैं फिर से रिव्यू वाला वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं थोड़ा टाइम रुकने के बाद सबके मैं क्वेश्चंस को लिखता जा रहा हूँ, एक साथ सबके जवाब दे दूंगा, थोड़ा सा मेरे पास अभी दबाव है, 1 महीने के बाद गाड़ी मेरे को मिली है, तो गाइस जो मेरे घर का रोटेशन बिगड़ा हुआ पड़ा है ना उसको थोड़ा सा संभालने में लगा हुआ, थोड़ा सा वेट कीजिए सबके सवालों का जवाब दूंगा, अभी जरा मेरा घर का जो बजट है वो बिगड़ा हुआ है इसको बना ले दो, टेंशन बहुत है मेरे पास बच्चों की फीस से लेके घर का खर्चा, मैडम पीछे हंस रही है हमारी देखो बहुत टेंशन है मेरे को। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड, आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना,
चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।